पे सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सिंचाई की सुविधा एक बड़ी संख्या है, ये उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही सबसे पहले सरकार ने किया था, डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहला कार्य लघु और सीमांत किसानों का लाख रुपए तक का ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना उसी श्रृंखला का हिस्सा था कि हमारा अन्नदाता आत्महत्या न करे, उनके लिए नए कार्यक्रम एमएसपी लागत का डेम मिले, आजादी के बाद पहली बार ये प्रभावी ढंग से ला, तो हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान बना रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, देश के अंदर 2,62,00,000 किसान तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे डीएम से उन अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुका है, हर किसान के खाते में राशि 3 किस्तों में उनके खाते में सतत पहुंच रही है। एक प्रक्रिया किसान देश खुशहाल होगा, और यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि आर्थिक समृद्धि का मार्ग, आर्थिक रूप से समृद्धि की ऊंचाई में व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर एक व्यक्ति से की जानी चाहिए, और भारत को अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने माध्यम बनाया गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के उस तबके को जो अब तक योजनाओं से किन्हीं कारणों से बन। भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों हम इस पूरे पक्ष में पितरों के प्रति तर्पण का कार्यक्रम, श्राद्ध का कार्यक्रम दुनिया के अंदर अन्यत्र ये देखने को नहीं मिलता होगा, सनातन धर्म की परंपरा में होता है। मैं अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उन्हें तर्पण देते हैं, माध्यम कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में करना और उसको व्यवहारिक धरातल पर उतार करके उनको साकार करना, यह भी कृतज्ञता का अध्ययन है, और आज डबल इंजन की सरकार उसी को ज्ञापन करने का एक माध्यम इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा सरकार ने अब तक 2,17,000 करोड़ गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का जहां भुगतान, वहीं इसी मथुरा छाता चीनी मिल के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी साथ आगे बढ़ाने जा रही है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने में लेकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंद आदि पवित्र स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर बढ़ रही है, निवेश की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोसी कला में का एक बड़ा केंद्र गत वर्ष स्थापित हो गया, आलू प्रोसेसिंग का भी एक नया सेंटर आगरा में स्थापित होने, ये सभी इन किसानों के लिए जीवन में व्यापक परिवर्तन बनने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज सब अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं यहां पर निभाग्य है, मुझे इससे पहले भी कई बार धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैंने यहां पर देखा, आप भी देख के मन कितना प्रसन्न हुआ देख करके कैसे हम अधिक यानी जमी कैसे हम लोग को आत्मनिर्भरता के ओर अग्रसर कर सकते हैं, की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है। आदर्श उदाहरण दीनदयाल धाम है।
आप वहां पर आए, संख्या में किसान बंधु आए हैं, आप देखिए कैसे वर्कशॉप चलते, आयुर्वेद की दवाओं को, गौ आधारित कृषि को, बनने वाले गौमय से बनने वाले तमाम प्रकार की औषधियों से निर्माण कैसे होता है, यहाँ की वर्कशॉप को थोड़ा जाकर किस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है और कितनी उत्तम क्वालिटी की आयुर्वेद की आयुष की दवाओं को यहाँ उत्पादन हो रहा है। एक उदाहरण ये धाम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है, अनुसंधान केंद्र को एक नए सिरे से प्रस्तुत करके गोपी जो भारत की सनातन परंपरा रही है, एक और हम गौ को मां कहते हैं और दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप मथुरा से, उनकी तरफ से किसानों के हित में क्या कार्य किए जा रहे हैं और आगे किस तरीके से कार्य किए जाएंगे उसके बारे में जानकारी वो दे रहे थे।